हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो मैं कुछ दिन के लिए हैदराबाद में रुका हूँ। तो हैदराबाद में अगर आपको कई जगह पे जाना है तो मेट्रो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एंड सबसे चीप। तो आज भी मेट्रो से जाने वाले हैं। तो हैदराबाद से आपके पहले दिमाग में दो ही चीज़ें आती हैं, एक तो चार मीनार एंड दूसरा है बिरयानी। तो आज मैं सोच रहा हूँ आपको दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस दे दूँ। चार मीनार के पास में ही और भी चीज़ है, तो वहाँ भी जाने का ट्राई करेंगे। एंड वहाँ पे एक फेमस बिरयानी शॉप भी है, तो वहाँ पे भी जाएंगे हम लोग। बिरयानी खाने वाले हैं आज, तो मतलब बिरयानी के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चार मीनार तो देखेंगे ही, ऑब्वियसली टाइम लगेगा मेट्रो से पहुँचने के लिए, टाइम तो लगेगा क्योंकि यहाँ से जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से थोड़ा दूर है। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है। अगर आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है तो यहाँ पे मतलब लाइन से हर जगह पे शॉप रहेंगे, जहाँ पे डोसा, इडली, ये सब तो नॉर्मल जो साउथ इंडियन आइटम है वो मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी हम लोग निकलते हैं मेट्रो का, टिकट का देखते हैं कैसे, एंड आपको बताता हूँ मैं। लेट्स गो। यहाँ पे सारे स्टेशन के प्राइस भी लिखे हुए हैं, एंड आई थिंक मैंने टिकट लिया था तो उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना है। सो दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन, एंड यहाँ पे देख सकते हो अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। आज एक्चुअली संडे है, तो मैं संडे के दिन जा रहा हूँ, तो देखते हैं ट्रेन का वेट करके। तो गाइस हम लोग पहुंच गए MG बस स्टेशन, एंड यहीं पे हमें आना था। सिर्फ 30 मिनट्स में हम लोग यहाँ पे पहुंच गए। अभी यहाँ से नीचे जाएंगे, एंड आई थिंक ऑटो ऑप्शन रहेगा। आज मैं जैसे सोलो जा रहा हूँ, तो अगर आप भी सोलो जा रहे हैं तो फिर आपको एक बेस्ट ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पे जो चलता है वो है रैपिडो, जो वो मतलब बाइक एंड स्कूटी के लिए यहाँ पे हैदराबाद में बहुत चलता है, तो वो आप यूज़ करते हो। मैं जो यूज़ करता हूँ वो ओला बाइक यूज़ करता हूँ, तो क्योंकि ऑब्वियसली मुंबई में भी ओला यूज़ करता था, तो इसलिए ओला ऐप ऑलरेडी है, तो मैंने अलग से दूसरा ऐप इंस्टॉल नहीं किया। बट अगर अकेले कहीं पे जाने हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि आपको बाइक इजीली मिल जाती है, बाइक या स्कूटी जो भी आता है वो। अगर कम डिस्टेंस रहेगा तो बहुत कम में हो जाता है, ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ एक बंदे के लिए, तो वो एक बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे। तो अभी जाते हैं नीचे। आई थिंक मैंने आपको प्राइस नहीं बताया, तो एक्चुअली मेट्रो का जो प्राइस है वो 45 रुपीज़ है, मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं जहाँ से निकला वहाँ से, तो मैं जहाँ से निकला वो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग स्टेशन ही है। एंड यहाँ पे स्टेशन पे एक बात मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे स्टेशन पे ही मतलब हर स्टेशन पे मेडिकल अवेलेबल है, आप देख सकते हो ऐसा मेडिकल है यहाँ पे, वो मुझे अच्छा लगा। क्लीन भी है काफ़ी। तो अगर यहाँ से आपको चार मीनार जाना है तो आप ऑटो करके जा सकते हो, 100 रुपया कुछ वो लेंगे। बट अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो ठीक है वो, बट मैं एक्चुअली अकेला हूँ तो मैं जैसा मैंने बताया ओला बाइक का ऑप्शन वो चूज़ कर रहा हूँ। वो आई थिंक कुछ अराउंड 30 रुपीज़ के आसपास ही होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो मेरे लिए सही है अभी के लिए। सो यस, फाइनली हम लोग चार मीनार पहुँच गए। तो मेरे सामने ही चार मीनार है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एंड भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक आज तो किसी स्कूल की भी शायद पिकनिक जैसा होगा, तो फिर स्कूल के सब बच्चे दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग ने बाहर से तो देख लिया, वहाँ पे अंदर भी जा सकते हैं, एंड उसके लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो अभी टिकट लेंगे और अंदर भी जाएंगे, ऊपर जा सकते हैं हम लोग वहाँ पे। अभी भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, अंदर जाने के लिए भी लाइन बहुत लंबी है, बट हमें जाना तो है तो हम जाते हैं, लेट्स गो। तो अंदर जाने के पहले एक बात मुझे पता चली कि बैग वहाँ पे नहीं लेके जा सकते, बैग बाहर रखना पड़ेगा। तो बैग रखने के लिए यहाँ पे अलग से जगह है, तो वहाँ पे हम लोग बैग रखते हैं और फिर जाएंगे। चार मीनार के सामने यहाँ पे क्लॉक रूम है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग चार मीनार के अंदर आ गए, एंड अभी वहाँ पे ऊपर भी जा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था। तो 25 रुपीज़ कुछ टिकट है, अभी हमने टिकट तो ले लिया है, एंड अभी हम लोग ऊपर जाते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ी सी लाइन है, तो देखते हैं ऊपर। चार मीनार कुली कुतुब शाह ने 1591 में बनवाया था, और कहा जाता है कि उन्होंने उस वक्त आए प्लेग की महामारी से मुक्ति के बाद इसे बनाने का वादा किया था, और चार मीनार उसी वादे का प्रतीक है। आज चार मीनार हैदराबाद की पहचान बन गया है, और आज के टाइम में इसे देखने के लिए बहुत लोग आते हैं।
बट अगर आपको चार मीनार अंदर से देखना है तो आपको 9 बजे से लेकर 4:30 के बीच में आपको आना पड़ेगा। और यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थोड़ी लंबी है, कोई बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आ रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ऊपर आते ही बाहर का नज़ारा तो खूबसूरत है ही, बट उससे भी ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से दिखता है। आप यहाँ पे फोटो ज़रूर ले सकते हो, लेकिन अंदर तो मतलब और भी ज़्यादा भीड़ है, मतलब हर स्पॉट आपको फुल मिलेगा, बहुत मुश्किल से जगह मिलती है फ़ोटो निकालने के लिए। वो बैठने का मन तो कर रहा है बट जहाँ पे बैग रखा है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए 20 रुपीज़ है, अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो फिर वो ज़्यादा पैसे लेंगे, तो इसलिए बस बाहर निकल रहा हूँ। तो अभी यहाँ से निकलते हैं। शॉपिंग के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी, एंड अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी हो तो आपको चीज़ें काफ़ी कम दाम में मिल जाएंगी। एंड अब हम चलते हैं बिरयानी खाने के लिए। तो चार मिनट से आई थिंक 10 मिनट के वॉकिंग के ऊपर यहाँ पे ये होटल है, शादाब होटल करके नाम है, वो काफ़ी फेमस भी है एंड भीड़ भी वहाँ पे रहेगी, मुझे तो पहले से ही लग रहा है। एंड यहाँ से मैं पैदल ही चल के आया, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऑटो मत लो क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा आपको खाली मुकट, चल के आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे। तो अभी जाते हैं अंदर कुछ खाते हैं। होटल पहुंचने पर ही मैं समझ गया कि यहाँ भीड़ बहुत है, बट मैंने यहाँ से बिरयानी नहीं खाई। नहीं, भीड़ बहुत थी इसलिए नहीं, क्योंकि इनके यहाँ स्टार्टिंग बिरयानी जो है वो मिनिमम 2 बंदे के लिए। हाँ, अगर आप अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बिरयानी ट्राई करनी चाहिए, बट मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेला आया हूँ तो अकेले पूरी बिरयानी तो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मैंने वीडियोस में देखी है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है एंड प्राइस भी कुछ 320 है, तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट टाइम आई थिंक अगर रात को मैं आया चार मिनट देखने तो उस टाइम पे आएंगे तब आपको दिखाता हूँ। तो अभी आई थिंक मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो अभी ओला बुक करते हैं, निकलते हैं। तो अभी हम फिर से सेम वही मेट्रो का टिकट लेंगे एंड मेट्रो से जाएंगे। मेट्रो का वेट करते करते मुझे याद आया, सुबह जब मैं निकला था तब कितना एक्साइटेड था बिरयानी के लिए। तो बिरयानी के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तब मैंने सोचा शादाब की बिरयानी ना सही, मगर आज मैं बिरयानी खा के ज़रूर रहूँगा। तभी मुझे एक दोस्त से पता चला, जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था वहीं पे पास में एक होटल है जहाँ पे सिंगल बिरयानी मिलती है। तो बस मेट्रो से फिर मैं पहुँच गया सीधा उस बिरयानी शॉप में, एंड सच में यहाँ बिरयानी खा के मुझे लगा हैदराबाद की बिरयानी में कुछ तो बात है, मज़ा ही आ गया। और अभी एक बात मैंने नोटिस की कि यहाँ पे जो फुल बिरयानी का प्राइस है सेम उतना ही उस होटल में भी है जो यहाँ पे मैं जाने वाला था शादाब, बट वही डिफरेंस है कि यहाँ पे सिंगल मिलती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, आपको कैसा लगा हैदराबाद का चार मीनार वो मुझे कमेंट में बताओ एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कहीं और जाने वाले हैं हैदराबाद में, तो इसके लिए वेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।